Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.8, unit surface area and volumes. Question number 3rd, 4th, 5th, 6th I got as doubts of students. And the question number 3rd is diameter of a metallic ball is this one. What is the mass of ball? Mass of ball means weight of ball hume find karna hai. If the density of metal is this one, पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना दिया हुआ है तो टोटल वेट हमें बॉल का फाइंड करना है. ये तो क्वेश्चन सिंपल था. आई विल एक्सप्लेन ओरली, यू हैव टू सॉल्व इट. डायमीटर गिवन है तो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू फाइंड रेडियस देन वॉल्यूम ऑफ बॉल. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा के 4/3 πr³ जितना वॉल्यूम आएगा उसको डेंस मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू दैट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 8.9. तो उसको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा, अगर वो ग्राम्स में 1000 से ज़्यादा है तो डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम में चेंज कर देना है, अगर 1000 से कम है तो एज इट इज रहने देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th इज डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मीन्स अर्थ का डायमीटर जितना है उसका 1/4 है मून का डायमीटर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू दी वॉल्यूम ऑफ मून. दोनों के वॉल्यूम की रेशियो हमें फाइंड करनी है. अब इसमें अर्थ का वॉल्यूम सॉरी डायमीटर तो दिया नहीं हुआ तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा एक्स. लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्स, देन वट इज द रेडियस ऑफ अर्थ एक्स बाय टू. देन वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अर्थ इज इन द शेप ऑफ स्फीयर सो इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 πr³. इट विल बी 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाई टू. इसको एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो 2 and 2 कैंसिल हो सकता है, बस इनको कैंसिल कर दिया. इट विल बी 22/3 × 7 × 2 इंटू x³. नाउ वी हैव टू एडजस्ट वॉल्यूम ऑफ मून अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ अर्थ. तो इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा उसको हमने कट करके रेशियो में एडजस्ट कर लेना है. देन डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या दिया हुआ है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 मीन्स एक्स बाय फोर. देन वट इज़ द रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून विल बी एक्स बाय 8. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 πr. इसको मान लो r₁, इसको मान लो r₂. इट विल बी 4/3 × 22/7 × 8 × 8 × 8 4 × 2 = 8 दैट इज 22/3 × 7 × 2 × 8 × 8 इज इक्वल टू x³ भी है साथ में. नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून वी हैव टू फाइंड हेयर. वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून, अर्थ का हमने वॉल्यूम फाइंड किया था 22/7 × 3 × 2 × x³. रेशो रेशो ले लो या डिवाइड बाय कर लो, एक ही बात है. 22/3 × 7 × 2 × 8 × x³. अब x³ के साथ x³ कैंसिल हो जाएगा. 3 × 3 = 7 × 7 = 2 × 2 × 22 = 22 एंड इट्स रेशियो विल बी 1/64 एंड इट्स आंसर ऑफ इज 13.8 क्वेश्चन नंबर 4th 1/64 इज द आंसर. फ्रैक्शन ले लो या रेशियो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, जो भी करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस वन कैन होल्ड. डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हमें फाइंड करना है.
डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल? टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर्स। वी हैव टू एडजस्ट हेयर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना लीटर मिल्क उसमें डाल सकते हैं हम। मीन्स वी हैव टू एडजस्ट हेयर वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन बाउल। बाउल इज इन हेमी स्फेयरिकल शेप, स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, तो इसका हो जाएगा 2/3 πr³। दैट इज 2/3, 22/7, 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 7.5 2 11। इट विल बी 11 × 0.5 × 10.5 × 10.5 डिवाइडेड बाय नथिंग। दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब एंड वी हैव टू एडजस्ट हेयर, हेयर वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। डेसिमल कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 1000। 11 5s are 55, 105 105 by 1000। नाउ वी हैव टू एडजस्ट दीज वैल्यूज। इट विल बी 105 × 105 इंटू 100 प्लस 105 × 5, 105 00 प्लस 5 2 5, 11 025 मल्टीप्लाई बाय 55, 50 and 5, इट विल बी 0 125 55, 55 125, इट विल बी 573, 610 6 डिवाइडेड बाय 1000 है तो 606.375। दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब एंड इसको चेंज करना है हमें लीटर्स में। 1000 cm³ इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। दैट मीन्स 1 cm³ इज इक्वल टू 1/1000 liters। तो इस वैल्यू को, जो इसकी वैल्यू आई थी 606.375 cm³, हेयर इट विल बी 606.375 डिवाइडेड बाई 1000, 0.606375 अप्रॉक्सीमेटली लीटर्स। मीन्स 0.606 liter अप्रॉक्सीमेटली इट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 0.303 liters। यस, 2 2s कैंसल हुए थे, 1 2 वी हैव, बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 एंड बाय 2, इट विल बी 303.303 liters आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन गॉट एज डाउट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 cm थिक। If the metal inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. Hemispherical tank है, means इस type में है। अब जो ऐसे ऐसे मोटाई जो होएगी iron sheet की, ऐसे थोड़ा मोटा होएगा iron sheet, तो ये जो मोटाई है तो इसके according inner radius जो दिया हुआ है हमें 1 meter दिया हुआ है ये वाला, तो उसमें जो थिकनेस दी हुई है हमारे पास है 1 cm थिक, तो उसमें हम ऐड करके थिकनेस आउटर रेडियस एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक टैंक। वॉल्यूम ऑफ आयरन मींस
आउटर रेडियस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम माइनस इनर रेडियस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम, जो माइनस करके आएगा दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, और थिकनेस दी हुई है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो पहले। तो थिकनेस ऑफ शीट इज 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस ऑफ टैंक इज इक्वल टू 100 प्लस 1, दैट इज 101 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड हेयर आयरन यूज टू मेक टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक विद आउटर रेडियस, माइनस करेंगे इसमें से वॉल्यूम ऑफ टैंक विद इनर रेडियस। हेयर इट विल बी आउटर रेडियस के अकॉर्डिंग हेमिस्फेरिकल टैंक है तो 2/3 एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, 2/3 पाई कैपिटल आर आउटर रेडियस ले लो। ये जो आउटर रेडियस है कैपिटल आर है, इनर रेडियस है स्मॉल आर, माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 2/3 पाई तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, पाई मीन्स 22/7, हेयर इज कैपिटल आर माइनस स्मॉलर आर। इट विल बी, कैंसिल तो कुछ नहीं आएगा, 44/21, 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हेयर इट विल बी 44/21, 101 माइनस 100 तो हो जाएगा 101 का स्क्वायर हो जाएगा 101 × 100 प्लस 101 × 1, दैट इज 101 100 प्लस 101 10201, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 एंड वन जीरो वन इंटू हंड्रेड हो जाएगा 10100, इन सभी को ऐड करेंगे तो इट विल बी 44/21, 10303। इसको 44 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 21 कर लो, 30301 इंटू 40 प्लस 30301 इंटू 4, इट विल बी 40 12 12, 40 12 12, 4 4 2 2 एंड 1 3 2 एंड 1 3, 4 4, 100 प्लेस पे है 2 1000 प्लेस 2 एंड 1 3, देन अगेन 1000 प्लेस 2 एंड 1 3, 10,000 प्लेस सॉरी, देन लैक प्लेस 2 एंड 1 3 एंड 1, इट विल बी 1333 244 डिवाइडेड बाय 21। अब इसको 21 से डिवाइड कर लो, 106 पे जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल बी 6 12, 7 33, 73 सॉरी ओनली, 21 3s are 63, 10 again 3, हेयर इज 4,
इट विल बी 84, 13, 8, 1, 0, नियर अबाउट 9 पे तो नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, 0 नहीं, सॉरी, वी हैव टू एडजस्ट हेयर 2, 9 पे नहीं जा सकता, 8 पे जाएगा, तो इट विल बी 8, 16, 4, 1, अगेन 4, इट कैन बी एट 9, नो, 7 पे भी नहीं जाएगा, 6, 6 पे जाएगा, तो 1, 2, 6, 8, 1, 0, 4, इवन, 8 पे 168 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, इट विल बी 6368.610160। अब ये जाएगा 5 पे 5 पे नहीं, 7 पे 0.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है टर्म, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर तक क्यूब टर्म मींस मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6348.68.7 डिवाइडेड बाय 001 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो 100 की अगेन 2 स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग, 2 क्यूबिंग के अकॉर्डिंग 1 डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे तो 6 टाइम बैक आएंगे, इट विल बी 0.0634 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। एंड चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थे 0.06348 अप्रॉक्सीमेटली 06348, हाँ 8 नहीं लिया मैंने, 4 तक एडजस्ट कर लिया, दैट्स ऑल। मतलब इसकी जगह 8 की जगह भाई यहाँ पे हम 5 भी ले सकते हैं, यहाँ 48 पूरा ले लो, डजेंट मैटर। This is the answer of this question, and next doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.